मैं हूं अनामिका सिंह। इंडियन न्यूज के टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत है। रिटायर्ड जस्टिस डिगरा ने कहा, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है नागरिकता कानून। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में सताए हुए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान वाले विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिए जाने की अटकलें हैं। इन्हीं अटकलों के बीच वरिष्ठ कानूनविद और दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति SN डिगरा ने इसके प्रावधानों को संविधान सम्मत बताते हुए कहा है कि यह कानून तो आजादी के बाद ही लागू किया जाना चाहिए था। इसी कानून पर न्यायमूर्ति डिगरा से भाषा के 5 सवाल और उनके जवाब। वही नागरिकता कानून पर बवाल, जामिया AMU से हिंसक झड़प, कहीं इंटरनेट बंद तो कहीं स्कूल कॉलेज, 15 पॉइंट में जाने दिल्ली से लेकर बंगाल तक का हाल। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रविवार को दिल्ली स्थित जामिया मिलाल इस्लामिया के समीप और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंसक प्रदर्शन हुए, जबकि पश्चिम बंगाल में भी अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। जामिया के पास हुए झड़प में करीब 60 लोगों के घायल होने, जबकि AMU में हुई झड़प में भी लगभग इतनी ही संख्या में छात्रों के घायल होने की खबर है। असम में स्थिति में सुधार के कारण गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में कई घंटे की ढील दी गई, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहे। महाराष्ट्र की सियासत पर रामदास अठावले का बड़ा बयान, उद्धव ठाकरे के बाद फिर कोई भूकंप आएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर जारी है। महाराष्ट्र बीते महीने हुए सियासी घटनाक्रम की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में 2 महीने में भूकंप आने वाला है। दरअसल इनका इशारा राजनीतिक भूकंप की ओर ही था, जिसमें वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के बाद कोई नया भूकंप आने वाला है। निजी चैनलों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में ये 2 महीना भूकंप वाला ही है। एक बार देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार का भूकंप हो गया, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी का हुआ और अभी कैसा भूकंप होता है हम देखेंगे, लेकिन कोई ना कोई भूकंप होने की संभावना है। इधर राम माधव बोले, नजरबंद कश्मीरी नेताओं की रिहाई चाहती है भाजपा। भाजपा महासचिव राम माधव ने रविवार को कहा कि पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेता बाहर आए और अपनी राजनीतिक गतिविधियां बहाल करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को यकीन है कि जम्मू कश्मीर अपना विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद विकास और भारत के साथ पूर्ण विलय की राह पर आगे बढ़ेगा। इधर पटना में बवाल, 3 घंटे तक शरारती तत्वों के कब्जे में रहा कारगिल चौक। नागरिकता कानून संशोधन के विरोध में कारगिल चौक पर शरारती तत्वों का करीब 3 घंटे तक कब्जा रहा। बवाल के लिए पुख्ता योजना तैयार कर हजारों की संख्या में शरारती तत्व गांधी मैदान इलाके में पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को इसका आभास नहीं था। भीड़ बढ़ने के बाद उपद्रवी पुलिस के घेरेबंदी करने लगे और जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो शरारती तत्व खाकी पर हमलावर हो गए। इसी बीच हिंसक झड़प शुरू होने से गांधी मैदान का इलाका रण क्षेत्र बन गया।